बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। कल मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे। 2 लॉज होते हैं एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के। एक तो ये कि जब आपके पास बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं कि उन दो जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊं कि अगर मल्टीप्लाई हो तो जो हमारे पास पावर्स होती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास प्लस हो जाती हैं, ठीक है। और डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, माइनस होती हैं। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 3 × 5 × 4 = 3 × 4 × 5 × 4 ये सिंगल फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही फॉर्म में कर दिया था, एक ही एक्सपोनेंट में कर दिया था, क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम है और दोनों की बेस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल है। तो हमने जस्ट ये करना है कि जहाँ पे इन दोनों को एक ही फॉर्म में करके लिख दिया था उनको हमने सेपरेट करके लिख देना है, इसके इक्वल लिखना है। जैसे 3 × 4 × 5 × 4 इक्वल किसके आ गया, 3 × 4 × 5 × 4। हमने बस ये बताना था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो भी इसी तरह से है। 7 × 9 इसकी पावर है 8, 7 की पावर भी 8 आएगी, 9 की पावर भी 8 आएगी। दोनों की यहाँ पे पावर 8 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो हमने इसको यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या किया है कि बेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो एक्सपोनेंट थे उनको एक ही फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 7 × 9 की पावर क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर सेम है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। 7 × 8 × 9 सेम एज इट इज़, 7 × 8 और 9 × 8, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ये लॉ है, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट हमारे पास डिफरेंट हो तो वो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। मल्टीप्लाई में वो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जैसे ये दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे 2 × 6 + 3 × 2 की पावर 9। तो हमारे पास 6 में हम 3 प्लस करते हैं, 2 की पावर क्या बन जाएगी, 9। 2 × 9 = 2 की पावर 9, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम उसी तरह से पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ये अभी आ गया दोबारा से, x × y/n, x की पावर m और y की पावर भी m। सिंगल फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, इसमें x की भी पावर m होगी और y की पावर भी m होगी, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x की पावर m, y की पावर m और y की पावर m। नेक्स्ट पार्ट 5 है इसका। पार्ट 5 भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट 4 किया है, क्योंकि इसमें बेस दोनों की सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + 7 = 8 की पावर हमारे पास क्या बन गई, 12, और यहाँ पे भी 8 की पावर 12 बन गई। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, p × r / s / r + s, यहाँ पे भी दोनों की पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट सेम है और जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, r + s, तो हमारे पास इसके इक्वल आ गया r + s की। होपफुली कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर पूरा ही बहुत ईजी है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए।